वीडियो मुझे कल मिला और वीडियो कांग्रेस के ही एक नेता ने मुझे भेजा था। मैंने देखा है उसको गहराई से। ऐसा लगता है कि एक लंबे वीडियो क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा है वो, और इसके आगे भी सुविधाजनक तरीके से जो है रिलीज किया वो करेंगे। कहीं इसमें काट छांट नहीं हुई है, एडिटिंग हुई है तो इतना ही हुई है कि एक पोर्शन को काट के आपको दे दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सीनियर एसपी को बात करके एफआईआर दर्ज कराया है। मैं सीनियर एसपी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि एफआईआर बन्ना गुप्ता पर ही दर्ज होना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इसी गहराई से जांच होनी चाहिए। और कुछ क्षण के लिए उस महिला का चेहरा भी आता है, उसके अंग दिखाई पड़ते हैं, तो पूछना चाहिए उनसे कि आप इस महिला को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और बातचीत से लगता है कि पुरानी जान पहचान है। तो सबसे पहले तो मंत्री का बयान लेना चाहिए इसमें पुलिस को। और ये मामला बहुत छोटा नहीं है, इसलिए कि मंत्री हैं, कोई पहली घटना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कई बार फलाना के साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, तो इसमें पैसों का भी लेन देन होता होगा, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो जाएगा। इसलिए मैं तो ईडी से आग्रह करूंगा कि अगर यहाँ के सीनियर एसपी ने एफआईआर दर्ज किया है तो उस एफआईआर को लेकर आप भी अपनी जांच यहाँ से आरंभ करिए कि इस मामले में सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा किस तरह से धन का दुरुपयोग किया गया है। और ये अगर नहीं होता है तो सीधे हेमंत सोरेन जी के ऊपर जाएगा कि इतनी सबूतों के बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, मंत्री पद उससे स्पष्टीकरण नहीं लेते हैं। मैंने तो यही लिखा है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो प्रभारी हैं कांग्रेस के पांडे जी, उन्होंने कहा कि सभी हमारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको अच्छा काम का नमूना मानेंगे इसको तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई करेंगे। इसलिए कांग्रेस के साख का भी सवाल है और सरकार की साख का सवाल है, पैसे के लेन देन का मामला है। जो आचरण है, जिस तरह से बातें हो रही हैं, वो साबित करता है कि आदतन यह व्यक्ति ऐसे हैं, और उस महिला से ऐसे ही उनका वार्तालाप पहले से भी चलते रहा हो, ये मेरी समझ में इतना आया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।